यानंतर एक ब्रेकिंग बातमी पाहणार आहोत. 1984 शीख दंगली प्रकरणी सज्जन कुमारला दोषी ठरवण्यात आलेले आहे. 84 शीख विरोधी दंगली प्रकरणी सज्जन कुमार जो आहे तो दोषी ठरवलेला आहे. दिल्ली हायकोर्टानं हा महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. दंगल घडवणं आणि कट रचल्याबद्दल सज्जन कुमारला दोषी ठरवण्यात आलेला आहे. आणि याविषयी अधिक माहिती घेऊयात. आपल्यासोबत आपले प्रतिनिधी उत्कर्ष आनंद आहेत. उत्कर्ष जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? 34 साल के बाद ये फैसला आया है. आज से 5 साल पहले दिल्ली की एक सत्र न्यायालय ने सज्जन कुमार को इस मामले में बरी कर दिया था. उनका कहना था कि सज्जन कुमार के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए सज्जन कुमार को इस मामले में दोषी नहीं करा दिया सकता. पर सीबीआई इस मामले में अपील में दिल्ली हाईकोर्ट गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 साल के बाद आज इस फैसले को पलट दिया है. सत्र न्यायालय के फैसले को पलट कर ये कहा है कि इस मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ भी काफी सबूत पाए गए थे और सत्र न्यायालय ने उन सबूतों को ठीक से नहीं देखा, उनकी परीक्षा ठीक से नहीं की थी. अब इस मामले में सज्जन कुमार को आज दोषी करार देते हुए उन्हें मर्डर के केस में सेक्शन 302 में सेक्शन 147, 149 दंगों में बिल्कुल लिप्त पाया है और इस मामले में एक मुख्य अभियुक्त मान करके, मुख्य दोषी मान करके उनको आज उम्र कैद की सजा सुना दी गई है धारा 302 के तहत. ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि ये आज उस दिन हो रहा है जबकि इस मामले में एक और अभियुक्त जो है कमलनाथ, कांग्रेस के एक और नेता, उनको जो है मध्य प्रदेश में जो है आपने ये कांग्रेस ने तय किया अपना मुख्यमंत्री बनाने को तय किया है. इसलिए अब इस मामले में अब ये देखना बड़ा ही रोचक होगा कि अब कैसे बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कमलनाथ के खिलाफ अपना कमलनाथ के सामने की जो दिक्कतें है वो बढ़ सकती है अगले दिनों में. जी बिल्कुल, कमलनाथ के सामने दिक्कतें बढ़ सकती हैं क्योंकि इस मामले में उनका भी नाम है, इस मामले में उनके खिलाफ जांच चल रही है और कल होकर एसआईटी अगर इस मामले में कमलनाथ के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल कर देती है तो मुख्यमंत्री पद पर बने रहना उनके लिए काफी मुश्किल होगा. उत्कर्ष जी, कमलनाथ जी का इस सब में, दंगल में क्या रोल था? जी, ये सज्जन कुमार हो, कमलनाथ हो, जगदीश टाइटलर है, उन सबके उनके खिलाफ ये कहा गया है कि वो उस समय भी कांग्रेस के 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद ये कांग्रेस के महत्वपूर्ण पदों पर थे, ये नेता थे और दिल्ली में जगह जगह जाकर के उन्होंने भीड़ को उकसाया. उन्होंने भीड़ को ये कहा कि आप सिखों को जो है तो जला दें, उनको दिल्ली से बाहर निकाल दें और इसलिए इनके ऊपर जो है तो कॉन्स्पिरेटर का रोल है कि इन्होंने ही लोगों को भड़काया था ताकि बाकी लोगों की हत्याएं हो सकें. करीब करीब 3,000 हत्याएं दिल्ली में अकेले हुई थी 1984 के दंगों में. बिल्कुल शुक्रिया उत्कर्ष जी आपने दी हुई जानकारी के लिए. आपण बघतोय सज्जन कुमारला दिल्ली हायकोर्टाने दोषी ठरवलेला, दंगल घडवणं आणि कट रचल्याबद्दल सज्जन कुमारला दोषी ठरवण्यात आलेला आहे आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुद्धा दिल्ली हायकोर्टाने सुनावलेली आहे. आणि या सगळ्यामध्ये आता कमलनाथ यांच्या समोरच्या अडचणी सुद्धा वाढण्याची शक्यता आहे.